एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है हमारी क्लास 44 और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे प्लेन यानी कि सिंपल स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग करना। इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने जो है आप लोगों को इसकी ड्राफ्टिंग करना बताई थी। तो अगर आप लोग ये वाली वीडियो देखें तो पहले जाकर आप लोग जो है ड्राफ्टिंग वाली वीडियो देखेगा तो उससे ना आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली जो है समझ आएगा। तो पसंद आए वीडियो और हेल्पफुल रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो जी, ये है हमारा फैब्रिक जिस पर जो है हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे मेजरमेंट थे ना वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारी लेंथ है वो है 16 इंच, 16 इंच, बॉटम है 10 इंच, 10 इंच और जो आर्म होल है वो है 8 इंच। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरह से। और अब मुझे ना ये फैब्रिक ऊपर से जो है बिल्कुल सीधा नहीं लग रहा था तो मैं जो है इस तरह से ऐसे इसको सीधा कर लूँगी। आपका फैब्रिक ऊपर से बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से जो है हमने इसको कटिंग करके सीधा कर लिया है। अब सबसे पहले जो है हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी लेंथ है टोटल थी 16 इंच, 16 इंच, बट मैं यहाँ पर जो है 16.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। हाफ इंच जो है वो हमारी आर्मोल की सिलाई में चला जाएगा। तो देखिए 16.5, 16.5 पर हमने इस तरह से ऐसे निशान लगाना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। दोनों साइड से निशान लगाने से क्या होता है, आपका निशान कभी भी टेढ़ा नहीं होता है। तो देखिए इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से ऐसे मिला देना है। तो जी ये जो है हमारी लंबाई का निशान लग गया। अब जो हम नीचे से बॉटम फोल्ड करते हैं ना उसके लिए हम जो है निशान लगाएंगे। तो देखिए 1.5 इंच पर मैं दोनों साइड ऐसे निशान लगाऊंगी और इन दोनों निशानों को जो है हम इस तरह से ऐसे मिला देंगे। तो जी ये हो गई हमारी अब लेंथ, ये हो गया हमारा बॉटम फोल्ड। ठीक है। अब जो हमारी स्लीव होती है वो जिस साइड से ओपन फैब्रिक होता है वहाँ से 3 इंच डाउन रखते हैं हम। तो अब हमने यहाँ से जो है 3 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगाना है और इस तरह से ऐसे ऊपर से तिरछा हमने इसको ऐसे मिला देना है, ये देखिए इस तरह से। अब जो हमारा आर्मोल है उसका निशान लगाएंगे। तो जो हमारा आर्मोल है वो है 8 इंच। तो देखिए 8 इंच पर हम इस तरह से ऐसे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच हमने मार्जिन का ऐड कर दिया है। अब हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम है हमारा यहाँ पर 10 इंच। तो बॉटम को हम हमेशा जो है 2 से डिवाइड करते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 तो आएगा हमारा यहाँ पर 5। तो देखिए 5 इंच पर हमने ऐसे निशान लगाना है और 1.5 इंच जो है हम मार्जिन का ऐड कर देंगे। अब हमने फिटिंग वाले निशान को जो है फिटिंग वाले निशान से इस तरह से ऐसे मिलाना है और जो हमारा मार्जिन वाला निशान होगा उसको मार्जिन वाले निशान से। अब जो हमारा नीचे का मार्जिन होता है उस पर हम इस तरह से ऐसे तिरछा निशान लगाते हैं, ये देखिए इस तरह से, ताकि जब हम फोल्ड करें तो ये बिल्कुल उसके बराबर आए। अब जो है हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो ये आपने बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है जी, क्योंकि इसकी ना बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब जो हमारा आर्मोल था उसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो ये था हमारा 8, तो इसका मिड करेंगे तो आएगा 4। तो देखिए 4 पर ऐसे निशान लगाएंगे और 1/2 इंच ऊपर की साइड ऐसे निशान लगाकर हमने यहाँ पर आर्मोल की शेप देनी है, इस तरह से ऐसे गोलाई देनी है। ये देखिए मार्जिन का निशान छोड़ते हुए आपने ऐसे शेप देनी है। मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए ये हो गया हमारा आर्मोल का निशान। अब जो हमारी फ्रंट साइड की गहराई होती है हम उसका निशान लगाएंगे। तो देखिए जिस साइड से ओपन होता है उस साइड पर जो हमने मिड लगाया था अब उसका भी हम मिड करेंगे। तो देखिए 4 था हमारा मिड, तो हम इसका मिड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 2 इंच, ये देखिए इस तरह से, और 1/2 से कम निशान लगाना है अब आपने। और ये देखिए यहाँ से जो है हम इस तरह से ऐसे गोलाई करेंगे नीचे की साइड, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ना आपने एक S बनाना है, ये देखिए इस तरह से जो है आपने एक S क्रिएट करना है यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, उसी तरह से आप लोगों ने करना है। ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है हमारी स्लीव की। तो देखिए सारे ही निशान जो है मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। अब जैसे जैसे हमने निशान लगाए थे वैसे ही वैसे हम इस पर सेम जो है कटिंग कर देंगे। कोई भी जो है हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सारे ही मार्जिन ऑलरेडी जो है वो ऐड कर लिए हैं। अब सिंपली जो है हम इसकी कटिंग कर देंगे जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं। तो देखिए हमारी जो स्लीव है वो उसकी कटिंग हम लोगों ने जो है कर दी है। अब जो इसकी गहराई है उसका उसकी जो है हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सेंटर का कट लगा लेंगे, ये स्टिचिंग के वक्त काम आता है। अब इसको हमने ऐसे खोलना है और जो हमने एस क्रिएट किया था उसको हमने इस तरह से ऐसे कट करना है, ये देखिए इस तरह से। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जो है हमारी शेप आई है यहाँ पर। ये देखिए मैं ना इसको थोड़ा उल्टा करके आप लोगों को दिखाती हूँ तब आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए यहाँ पर निशान लग रहा है ना, तो अभी आप लोगों को उतने अच्छे से दिख नहीं रहा है ये, मैं थोड़ा उल्टा कर देती हूँ इसे। ये देखिए अब आप लोगों को समझ आया होगा कि कितनी अच्छे से जो है हमारी शेप आई है।
अब जो है इसको मैं आप लोगों को स्टिच करके भी दिखा देती हूँ। तो देखिए ये है हमारी कटिंग। तो जितना हमने जो है नीचे मार्जिन का निशान लगाया था बॉटम पर, उतने ही जो मतलब पूरे बॉटम पर हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब आपने क्या करना है, जो आपने निशान लगाया है उसने उसको आपने ऐसे फोल्ड करना है और अपनी जो है नेल्स की हेल्प से इसको अच्छे से इस तरह से ऐसे बिठा देना है। या फिर अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोग इसे आयरन से भी बिठा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब आपने इसको पहले, ये देखिए पहले सिंगल फोल्ड और फिर इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड। और अब आपने जो है सिंपली इसको स्टिच कर देना है। अगर आप लोग तुरपाई करेंगे, हैंड स्टिच करेंगे, तो आपने बड़ी सिलाई लगानी है, वरना आप छोटी भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसके बॉटम को सिल देना है। अब जो भी थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा फैब्रिक आ रहा है उसको हम इस तरह से ऐसे कट कर देंगे। और अब हमने ये देखिए इसको सिल दिया है। अब इसको हम इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और जो हमने ये मार्जिन का निशान लगाया हुआ है इसी निशान के अकॉर्डिंग हमने सिंपली जो है इस तरह से ऐसे सिलाई करनी है। शुरुआत में जब भी सिलाई लगाएं तो उसको पक्का करें और जब एंड करें सिलाई को तब आपने पक्का करना है। और स्टिच करते वक्त फैब्रिक को खींचना नहीं है। ये देखिए अब एंड करेंगे तो पक्का कर हम इसके धागे अब जो भी हैं सारे इनको कट कर देंगे और हमारी जो स्लीव है वो बनकर तैयार है। मैं इसको सीधा कर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी परफेक्ट जो है हमारी स्लीव कट कर और सिल कर तैयार हुई है। अब हमने इसको जो है अटैच कैसे करना है अपनी कुर्ती पर, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट जो है हमारी स्लीव बनकर तैयार हुई है। और जो ये आप गहराई वाला पार्ट देख रहे हैं ये हमारा फ्रंट साइड में जुड़ता है, ये हमारा मतलब आगे वाले हिस्से में रहना चाहिए कुर्ती के, ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को जो है आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया हो और हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।